शुभ नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की।
जय नो विष्णुपाद परमहंस प्रेमाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय नो विष्णुपाद परमहंस प्रेमाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्तवृंद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री श्री चैतन्य भागवत की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर पाद की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की। ताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरिस्ट असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट श्री गुरु अनुराग श्रील प्रभुपाद महाराज की। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्रलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साक्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरी
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारं परमानन्दमानम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नित्यानन्द नमस्तुभ्यम्, प्रेमानंद प्रदायिने, कलौ कल्मषनाशाय जन्मभापतये नमः। श्री श्री नित्यानंद प्रभु शिवाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, परम करुणा के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की, प्रेम दाता श्री नित्यानंद प्रभु की, हरे कृष्ण। परम करुणा के अवतार शिष्य नित्यानंद प्रभु की अहित की कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु उन नित्यानंद प्रभु की ही दिव्य चरित्र के बारे में हमको अवगाहन करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चितः यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अभी तो उन नित्यानंद प्रभु की, आचार्यों की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर उपाद की, श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की, सर्वोपरि श्रील प्रभुपाद जी की अहित की कृपा है, जिसके अनुसार हम उनके चरित्र को बोधगम्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आलोच्य नित्यानंद प्रभु के चरित्र पर आचार्य ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर हम कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो हम प्रातः कक्षा में नित्यानंद प्रभु द्वादश वर्ष की अवस्था में कैसे गृहत्याग किए और उसके उनके विरह में कैसे हड़ाई पंडित और पद्मावती कष्ट को प्राप्त किए उसकी चर्चा करके वहां पे विराम दिए थे। वास्तविक हमारा जो गौड़ीय परंपरा है वो औदार्य धाम से प्रकट हुआ, यानी कि औदार्य धाम से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो वहां पे जगत में मिलन में सुख है, लेकिन आध्यात्मिक यह गौड़ीय परंपरा में विरह में सुख है, और उस सुख का आस्वादन कराने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए हैं, जो कि बड़ी उच्च कोटि का भाव है, लेकिन फिर भी शायद आचार्यों की कृपा करुणा से हमारे जीवन में वो संभवपर हो सकता है, अगर हम दृढ़ता से उस भगवत भक्ति का आचरण आचार्यों के प्रदर्शित मार्ग के अनुसार चलेंगे तो शायद यह हो सकता है। और देखिए, चैतन्य महाप्रभु जब अपना बहिरंगा भाव से जब नवद्वीप धाम में लीला प्रकट किए तो उसमें संपूर्ण जगत को इस आध्यात्मिक उन्नत रस से नहलाए, लेकिन विचारणीय यह है कि चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास ग्रहण किए 24 साल में, तो उन्होंने कितना वर्षों तक बहिरंगा कार्य, जो अवतार का बहिरंगा कारण है उसको किया, और अंतरंगा कारण, अंतरंगा कारण समझते हैं क्या है? अंतरंगा कारण अर्थ उनका निजी उद्देश्य क्या था। जो भी इस धरती पर हर एक युगों में एक युगावतार होता है, तो इस युग का धर्म है क्या? नाम संकीर्तन, कली काले नाम संकीर्तन। कलियुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और इस युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए हर एक युग में एक युगावतार आते हैं। तो
तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही आ रहे हैं तो अलग से युगावतार की आने की कोई आवश्यकता थी नहीं। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु जब आए और युगावतार का जो जो उद्देश्य है युग धर्म का प्रवर्तन करना, तो उसका उन्होंने प्रणयन किया। लेकिन अंतरंगा जो सुख है उसको चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल तक आस्वादन किया। 6 साल प्रचार में रहे, दक्षिण यात्रा, दक्षिण भारत यात्रा आदि में, और बाकी 18 साल जो कि निरंतर अंतरंगा उद्देश्य से वो गंभीरा नामक जो स्थान है, जगन्नाथपुरी से भी गए हैं, वहां पे गंभीरा दर्शन किए हैं, वो छोटा सा कमरा है, हाँ, उसी कमरे के अंदर चैतन्य महाप्रभु रहते थे। चैतन्य महाप्रभु की हाइट कितनी थी पता है? 7 फीट। हाँ, और भगवान द्वारकाधीश की हाइट 14 फीट थी। डबल, द्वारका में, द्वापर में डबल रहते हैं। और उस समय कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की जो अवस्था साधारण मनुष्य से बहुत ज्यादा, और भगवान जब किशोर अवस्था में थे यानी कि जब वृंदावन छोड़े तो उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच थी किशोर अवस्था में, 11.5 साल की आयु में। हाँ, तो इसीलिए, और साक्षात जो स्वरूप है श्रील प्रभुपाद जी जब राधा माधव के विग्रह के बारे में चर्चा कर रहे थे भक्तों से, तो बोले थे कि माधव का हाइट 6 फुट 3 इंच होना चाहिए। मायापुर में जो माधव जी हैं, राधा माधव, तो माधव का हाइट 6 फुट 3 इंच है। किशोर अवस्था में भगवान की जो उच्चता 6 फुट 3 इंच की रहती थी। तो वैसे ही भगवान के जो साक्षात विग्रह जो साक्षी गोपाल हैं, साक्षात प्रकट हुए, उनकी भी हाइट 6 फुट 3 इंच है, जो कि अभी साक्षी गोपाल नामक स्थान पे है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने लंबे थे, ऊंचे थे, अजान लंबित भुजा, तो वो यहाँ पे गंभीरा नामक स्थान में निरंतर वो अंतरंगा सुख का आस्वादन किए। और अंतरंगा भाव का अर्थ यह है जो राधा रानी का भाव था। भगवान कहते हैं, न पारये निरवध संयुक्त, मैं आपकी प्रेम का वरदान को कभी भी उसका उऋण नहीं हो सकता। इसके कारण आपने जो जो सुख को प्राप्त किया है उस सुख को तथा उस विरह को आस्वादन करने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसके कारण गोलोक वृंदावन में जाकर के चैतन्य महाप्रभु चिंतन करते हैं कैसे यह संभवपर हो सकता है। जब राधा रानी का अंग कांति को स्वीकारेंगे और राधा रानी का भाव को स्वीकारेंगे तभी यह हो सकता है। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने तप्त कांचन गौरांग स्वरूप को ग्रहण किया, पिघले हुए सोने के जैसा वर्ण, और ना सिर्फ वर्ण को स्वीकारा अपितु भाव को भी स्वीकारा। तो अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु वर्णना करते हैं कैसा उच्च कोटि का जो विरहात्मक भाव था। तो उस इसलिए गौड़ीय परंपरा में आचार्य गण भी देखे हैं उस विरह सुख को ही ज्यादा आस्वादन किए। जड़ जगत में मिलन में आनंद है लेकिन आध्यात्मिक जगत में विरह में आनंद है, और चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में ही वो रहते थे, दिनों रात उसी भाव में रहते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की अंतलीला में प्रदर्शित होता है, गंभीरा लीला में। गोविंद विराहे सुन्या हैला त्रिभुवना तुसानले पड़ुकिवा ना जाए जीवा। राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, गोविंद विरहे शून्य होइल त्रिभुवन, जिस जगत में गोविंद नहीं है वो मेरे लिए शून्य समतुल्य है, और मेरी कैसी अवस्था है कि तुसानले पड़ो कि वा ना जाए जीवा। तुसा का अर्थ है
जब धान से चावल निकल जाता है तो एक सिंगल धान का पीस को आप पकड़ेंगे और उस धान को अग्नि के द्वारा जलाएंगे, तो एक धान की द्वारा प्रकट हुई अग्नि क्षण भर में लुप्त हो जाएगा, तो वो ना आग कहलाएगा ना राग कहलाएगा। हाँ, ऐसा स्थिति है। तो मेरी स्थिति ऐसा हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना मैं आग होते हुए जल रहा हूं ना राग भी कहलाता हूं, रंच मात्र का राग भी नहीं रहता है, इतनी जैसे हवा में ही उड़ जाता है वो। एक धान को जलाएंगे तो क्या होगा? तो मेरी स्थिति ऐसी है। उद्वेगे दिवसो न जाय क्षण होइलो जुगा समो, युग के समतुल्य मुझे प्रतीत हो रहा है, उद्वेग उत्कंठा, कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए राधा रानी के भाव में। मुझ और राधा रानी कह रही है भ्रमर गीत में कि मैं एक कुत्ता से भी हीन हूं, एक जगह पे टीकाकार वर्णना करते हैं, कुत्ता से भी हीन। सोचिए, राधा रानी विचार करते हैं, मेरा प्रेम कृष्ण के प्रति अगर सही होता तो कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं जाते। क्यों कुत्ता का तुलना दे रहे हैं? कि कुत्ता का जो पूंछ होता है वो हमेशा टेढ़ा रहता है, तो मेरा मन कृष्ण के प्रति ऐसा टेढ़ी नहीं है, तो कुत्ता का पूंछ भी मेरे चेतना से उन्नत है। सोची राधा रानी कितनी उच्च कोटि की भाव, यह परम नैन्यता का भाव है। तो उसी भाव में गोविंद हर एक समय उपस्थित है। वृंदावनम परित्यज्यम पाद एक न गच्छति, प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत में वर्णना करते हैं, वृंदावन को छोड़कर के भगवान कृष्ण एक चरण भी गए नहीं। श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जशोदा नंदन कृष्ण गए ही नहीं, वासुदेव कृष्ण गए हैं, मथुरा के कृष्ण गए हैं, जो वसुदेव जी लेकर के आए थे वही गए हैं अक्रूर के साथ, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण न तब गए थे ना अब गए, अभी भी हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पाद एक न गच्छति, भगवान गए ही नहीं, लेकिन फिर भी यह उत्कट विरह का सुख आस्वादन करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने ऐसा लीला किया। तो अतृप्त होइया करे विधिर निंदा, ऐसा एक जगह पे कहा जाए चैतन्य चेतावन में, गोपियां अतृप्त हो जाते जहां पे भगवान कृष्ण जब उपस्थित थे वो विधि की निंदा करते थे, यानी कि ब्रह्मा जी की निंदा करते थे। रे ब्रह्मा, तुमको सृष्टि करना पता नहीं, सृष्टि करने से पहले हमसे सजेशन लेना चाहिए था। गोपियां कह रही हैं, अतृप्त होइया करे विधिर निंदन अविदिग्ध विधि फल ना जाने सृजन। इसको तो सृजन करना पता नहीं है, सृष्टि करना ब्रह्मा जी को पता नहीं, तो कैसा सृष्टि करते? तो बोल रहे हैं, कोटि नेत्र नाही दिला सबे देला दुई ताहते निमिष कृष्ण की देखी भी मुई। करोड़ों नेत्र हमको देना चाहिए था, तूने इंद्र को सहस्र लोचन दे दिया। इंद्र का जो है 1,000 आंख है, गौतम मुनि के श्राप से जो सहस्र योनि बना था बाद में वो परिवर्तित होकर के सहस्र लोचन हो गया, इसके लिए इंद्र का एक नाम है सहस्र लोचन। लेकिन हमको दो ही आंख दिया, जब हमारे सामने करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाले भगवान कृष्ण उपस्थित है, तो हमको चाहिए था कि तुम करोड़ों आंख देते, लेकिन करोड़ों आंख तो दिए नहीं, दिए कितना? दो। और दो आंख देने के बाद भी उसके ऊपर पलक दे दिया, यानी कि ढक्कन गिरता रहता है, ये भगवान के संदर्शन में हमेशा बाधा उत्पन्न करता है।
ऐसा जो दो लोचन है, दो चक्षु है। इसलिए कोटि नेत्र नाही दिल सवे दिल दुई, और उसके बाद ताहाते निमिष कृष्ण की देखी भी मुही। तो गोपियां भगवान जब उपस्थित थे लगभग 11.5 साल तक, तो संदर्शन करने के लिए ऐसे व्याकुल चित्त रहती थी, और उनमें से महाभाव महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी का कैसा भाव है, तो उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। गोविंद विरह शून्य हैल त्रिभुवन, गोविंद के विरह में ये जगत शून्य हो गया है। तो इसी भाव में चैतन्य महाप्रभु निरंतर रहते, और इसी भाव का ही उत्कट शिक्षा हमारे ब्रह्म माध्य गौड़े संप्रदाय में प्राप्त होता है। यद्यपि प्राथमिक स्थिति में यह संभव पर नहीं है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, आगे बहुत जाना है, दिल्ली बहुत दूर है। बोलते हैं ना, बहुत दूर है, अभी जाना बहुत आगे है, अब बहुत पीछे है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति की उच्चतर भाव तक वो संदर्शन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं। तो उसी भाव के अनुसार नित्यानंद प्रभु भी अपने पिता माता हड़ाई पंडित और पद्मावती जी को उत्कट विरह का सुख प्रदान की। जब नित्यानंद निताय निताय कहकर के स्मरण करेंगे, तो नित्यानंद अपने नाम में, रूप में, गुणा गुण में, लीला में, चरित्र में हमेशा उपस्थित थी, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि में नित्यानंद प्रभु ने गृह का त्याग कर दिया। और उससे पहले एक लीला वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, जब नित्यानंद प्रभु एकचक्र ग्राम में थे और उधर चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए नवद्वीप में, तो ये सर्वेश्वर है, उनको तो सब विदित ही था नित्यानंद प्रभु को, तो वो जान लिए कि चैतन्य महाप्रभु सची के आंगन में प्रकट हुए। तब आनंद से प्रेम से हुंकार करने लगे, और इतना भयंकर हुंकार किए कि लगा कि पृथ्वी अब फट जाएगा। जो अनंत भगवान हुंकार करेंगे, शेष साई शेष नाग हुंकार करेंगे, तो क्या दशा होगी, कोई भी समझ नहीं पाया कि अभी क्या विपत्ति आने वाला है या कोई मंगल का विधान है, इतना भयंकर हुंकार था। जे दिने जन्मीला नव दीपे गौर चंद्र राढ़े थकी हुंकार रीला नित्यानंद। जे दिने जन्मीला नवदीपे गौर चंद्र, जिस दिन नवदीप में गौरचंद्र यानी चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण किए, उसी दिन राढ़े था कि हुंकार हुंकार करने लगे। तो कोई जाना नहीं था, कोई सोचा नहीं था कि ये किसका उच्चारण कर रहा है, गौरांग 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 कह करके हुंकार करने लगे नित्यानंद प्रभु। तो यह भगवान चैतन्य महाप्रभु की जन्म में नित्यानंद प्रभु की इतनी उत्कट रूप से हुंकार करने लगे। अनंत ब्रह्मांड व्यापी हैल हुंकारे, ऐसा नहीं ये सिर्फ जगत तक सीमित रहा यह हुंकार, हम जब चिल्लाते हैं तो कितना देर तक सुनाई देता है, और स्वयं नित्यानंद प्रभु अनंत भगवान हुंकार करेंगे, साधारण आवाज नहीं, तो अनंत ब्रह्मांड तक वो गया। अनंत ब्रह्मांड व्यापी हैल हुंकारे मूर्छागत हैल जेना सकल संसारे, जैसे कि जगत मूर्छित हो गया, सब उस हुंकार से कुछ काल के लिए मूर्छित हो गए, और कोई समझ नहीं पाया किस लिए हम हमारी दशा ऐसी हो गई, एक दूसरे को पूछ रहे तुमको क्या हुआ था, पता नहीं मैं तो मूर्छित हो गया था, अरे भाई मैं भी मूर्छित हो गया था। एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि मूर्छित हो गए हैं, तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारा क्या हुआ था, तुम्हारा क्या हुआ था। तो ये नित्यानंद प्रभु की हुंकार की ऐसी चमत्कारिता थी,
सभी मूर्छित प्राय होंगे। वास्तविक नित्यानंद प्रभु अपने प्राण स्वरूप गौरांग के प्राकट्य में इतने आनंदित हुए, प्रेम से आनंद से गौरांग का नाम लिए, सब उस प्रेम रूपक स्रोत में, प्रेम रूपक बन्या में प्लावित होकर के सब मूर्छित हो गए। प्रेमन उन्माद को प्राप्त करके सभी मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, हम प्रातः विचार कर रहे थे कि यतिराज ने, यति ने, सन्यासी ने नित्यानंद प्रभु को ले ली तीर्थ यात्रा में। तो इस प्रकार से जैसे कि आयु की भी वर्णना करते हैं वृंदावन दास ठाकुर, स्पष्ट रूप से यहाँ पे चैतन्य भागवत में वर्णना करते हैं कितने काल तक नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा किया। हे नमते द्वादश वर था कि घरे नित्यानंद चलिले न तीर्थ करिबारे। हेन मथ द्वादश वश्चर थाकी घरे, यानी कि द्वादश यानी कि 12 साल तक नित्यानंद प्रभु ने गृह में वास किया, यानी कि बाल्य लीला आदि किए। तदुपरांत उस सन्यासी के मांगे जाने पर हड़ाई पंडित और पद्मावती ने उनको प्रदान कर दिया। और किस लिए गए? नित्यानंद चली लेना तीर्थ करी बारे, तीर्थ करने के लिए नित्यानंद प्रभु चले गए उस यतिराज के सहित। और कितने कितने वर्षों तक उन्होंने तीर्थ यात्रा किया? तीर्थ यात्रा करी लेना विंशति वत्सर तबे से आई लेना चैतन्य गोचर। तीर्थ यात्रा करी लेना विंशति वत्सर, अर्थात 20 साल तक उन्होंने तीर्थ यात्रा किया, यह स्पष्टतः प्रमाणित करते हैं वृंदावन दास ठाकुर। और जब चैतन्य महाप्रभु का जब यहाँ से गया से लौट करके आए ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद, तो उन्होंने जब नवद्वीप में अपनी महाभाव लीला प्रकाश किए श्रीवास के आंगन में, तब कीर्तन करना चालू किए जब चैतन्य महाप्रभु, तब नित्यानंद प्रभु की अभाव उनको अनुभव हो रहा था। किसको? चैतन्य महाप्रभु। और तब तक आनंद नहीं, पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ था जब तक नित्यानंद प्रभु आए नहीं थे। लेकिन इस तीर्थ यात्रा में भी नित्यानंद प्रभु की यह 20 साल की तीर्थ यात्रा में, और चल के, ऐसा नहीं कि कोई जान वाहन के द्वारा उन्होंने तीर्थ यात्रा किया, नित्यानंद प्रभु 12 साल से लेकर के 32 साल तक निरंतर तीर्थ यात्रा की। पहले तो कुछ काल उस यति राज के सहित किए सन्यासी के सहित, बाद में उन्होंने अकेले ही तीर्थ यात्रा किया। तो उस तीर्थ यात्रा में उन्होंने कई भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ है सबका भ्रमण किया। इसी के क्रम में हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु के सहित सन्यास के बाद जब श्रीक्षेत्रपुरी को जाते हैं, रास्ते में नित्यानंद प्रभु ही वो अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णना करते हैं, क्योंकि पहले वो आए हुए थे। नित्यानंद प्रभु अनेक बार, कुछ कुछ तीर्थों को तो दो दो बार भी गए नित्यानंद प्रभु। जैसे कि चैतन्य भागवत में बड़ी विशद भाव से कौन कौन से तीर्थ गए थे, ऐसे कि उस तीर्थ में जब शिवपुरी गए कैसे शिव जी के सहित उनका साक्षात्कार हुआ, पार्वती जी ने, शिव जी ने उनको कैसे आतिथ्य प्रदान किया, उनका सत्कार किया, उसका भी वर्णना वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। और कैसे जगन्नाथपुरी को वो गमन किए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उसकी भी वर्णना है। तो अनेक तीर्थ भ्रमण करने के बाद भी एक बार क्या हुआ,
तो साक्षात हमारे परंपरा में जो प्रेम भक्ति का प्राकट्य जिन आचार्य के द्वारा हुआ था वो है माधवेंद्र पुरीपाद। तो माधवेंद्र पुरीपाद के सहित नित्यानंद प्रभु का साक्षात्कार हुआ, जिसकी सम्यक वर्णना वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। भय नित्यानंद निरंतर कृष्णा विषे शरीर अवस क्षण कांदे क्षण हसे कि बुझे से रस। नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ यात्रा में रहते थे तो परमानंद है, ये तो परमानंद सच्चिदानंदमय है और किसी का भी भय नहीं था। इतनी बाल्यावस्था में 12 साल की एक बालक अकेला भ्रमण करना सन्यासी जैसा कितना कठिन कर है। उस समय यातायात भी इतने सहज नहीं थे, दुर्गम जंगल को होते हुए कई कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए पहाड़ पर्वत नदी झरने आदि अनेक स्थानों को अतिक्रमण करते हुए नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थों का यात्रा किए। किछु नाही भय, उनको बिल्कुल भी भय नहीं था, अपितु ये भय से मुक्त कराने वाले हैं और इनको क्या भय सताएगा। भजहु रे मन श्री नंदनंदना अभय चरणारविंद। ये तो अभय चरण है, जिनका चरण ही अभय को प्रदान करता है, इनको क्या भय होगा। काल भी भयभीत हो जाता है जो भगवान के पास उपस्थित होता है। कालों के काल महाकाल के भी इस आराध्य हैं। आदि संकर्षण जो मूल संकर्षण शिव जी जो हैं उनको महाकाल कहा गया इस जगत में, तो वो भी ये आदि संकर्षण नित्यानंद प्रभु की आराधना करते हैं। तीर्थ यात्रा में प्रमाणित हुआ है स्वयं शिव पार्वती दोनों ने मिलकर के नित्यानंद प्रभु को आतिथ्य प्रदान किया, उनका सत्कार किया। तो इनको बिल्कुल भी भय नहीं था और ये किस भावावेश में रहते थे, निरंतर कृष्णावेशे शरीरावस। जो बाल्यकाल में प्रतीत हो रहा था कृष्ण लीला ही उनको स्फुरित होता था और कृष्ण लीला के आवेश से ही निरंतर रहते थे। और क्षणों कांदे क्षणों हंसे कि बुझे से रसा, कब रोते थे कब हंसते थे लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाता था। जो भी तीर्थ यात्री लोग और धाम में दर्शन करते थे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते थे, एक अवधूत स्वरूप में विचरण करते थे और कब रोते थे कभी हंसते थे उसका कोई सीमा या कुछ समझ नहीं सकता था कोई। ये तो वैसे भक्त ही समझ सकता है, तो ऐसे उनकी भगवत भक्ति को कौन समझ सका, कौन जान पाया, जो प्रेम के ही स्वरूप माधवेंद्र पुरीपाद है। तो उसी क्रम में तीर्थ यात्रा के क्रम में माधवेंद्र पुरी जिसे उनका साक्षात्कार हुआ। एहि मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमे बन दैवे माधवेन्द्र सहे हईल दर्शन। माधवेन्द्र पुरी प्रेम मय कलेवर प्रेममय जत सव संगे अनुचर। इसी क्रम में ए मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमे वन, बन बन में अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के उपरांत उनका प्रेममय जत सव दैवे माधवेंद्र सहे हरि। दैव योग से देव इच्छा से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से प्रेम का प्राकट्य जो हमारे परंपरा में पहले श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के द्वारा हुआ, ऐसे साक्षात प्रेम के ही जो स्वरूप थे ऐसे माधवेंद्र पुरीपाद के सहित श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ। दोनों प्रेम के साक्षात प्रतिमूर्ति है, प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु है और प्रेम के स्वरूप श्रील माधवेंद्र पुरीपाद है। दोनों का जो मिलन हुआ
माधवेंद्र पुरी प्रेमोमय कलेवर, उनका शरीर ही पूर्ण रूप से प्रेममय था, ऐसा साक्षात वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। माधवेंद्र पुरी प्रेमोमय कलेवर, उनका संपूर्ण कलेवर शरीर प्रेममय ही था, प्रेम के व्यतिरिक्त उनमें कुछ था ही नहीं। अय दीन दयाल दा नाथ अय मथुरा नाथ, ऐसे चित्कार करते रहते थे, ऐसे चिल्लाते थे विरह में माधवेंद्र पुरी पर। तो ऐसे प्रेम के कलेवर जब माधवेंद्र पुरी के सहित मिलन हुए, ना सिर्फ माधवेंद्र पुरी अपितु उनके से जितने भी अनुचर थे, प्रेमो मय जत सव संग अनुचर, तो उनके अनुचर भी जो थे वो भी प्रेममय थे। माधवेंद्र पुरी की कृपा से कुछ एक दो जैसे रामचंद्र पुरी वो अपराध करके चले गए, रामचंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी जी के अंतिम समय में उनकी बाह्य अवस्था को देख करके उनकी अश्रद्धा जागृत हो गई, और जो गुरु के निकट में नित्यानंद तत्व गुरु तत्व के निकट में ऐसा विचार करता है उसका निश्चित रूप से पतन होता है। जो गुरु तत्व पर अविश्वास करता है, नित्यानंद तत्व पर अविश्वास करता है, एक समय आता है वो भगवत तत्व पर भी अविश्वास करता है, जो कि रामचंद्र पुरी के जीवन में भी हुआ। उन्होंने गुरु जी के अपने गुरु में गुरु के विषय में दोष देखे। जब ऐसा देखा जाता है व्यवहारिक जगत में भी, जब आचार्य गुरु लोग रोगाग्रस्त होते हैं तो कुछ व्यक्ति होते प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, शुद्ध भक्तों को ऐसे क्यों होता है, लेकिन हम सभी के पाप के कारण ही ऐसा हो रहा है। जो दीक्षा काल में शिष्य करे आत्मनिवेदन, जब जो वो सब पाप को ग्रहण करने के कारण और हम सभी नियमों का पालन न करने के कारण ही गुरु को ऐसा व्यवहारिक शारीरिक कष्ट होता है, लेकिन उनको आत्मिक स्तर में आध्यात्मिक स्तर में कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब व्यवहारिक दृष्टि में उसको विचार करते हैं तो घोर अपराध होता है। श्रील प्रभुपाद जी को भी जब पूछा गया कि आचार्यगण क्यों अस्वस्थ होते हैं, तो प्रभुपाद जी ने यही उत्तर दिया, जब शिष्य लोग नियम का पालन नहीं करते हैं और दोष करते हैं अपराध करते हैं तभी गुरु आचार्य को उसका कष्ट व्यवहारिक रूप से सहन करना पड़ता है। लेकिन उस दृश्य को देख करके रामचंद्र पुरी ने अपराध बोध किया और उनको त्याग करके चले गए, और एक समय आया वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी दोष देखा, जो साक्षात भगवान है। विचार के संन्यास के घर के सामने चीटियां को घूम रहा है, इसका मतलब सन्यासी बहुत मीठा खा रहा है। रामचंद्र पुरी कह रहे, देखिए भगवान के जीवन में भी वो शंका उत्पन्न किए और भगवान को भी दोष लगाए। लेकिन प्राय माधवेंद्र पुरी के जितने भी अनुचर थे, माधवेंद्र पुरी के कृपा कटाक्ष के कारण वो सभी प्रेममय थे। वो कैसे थे, कृष्ण रस विनुवार नहीं को आहार, आहार कुछ लेते नहीं थे वो। देखिए कैसा अद्भुत वर्णना करते हैं, कृष्ण रस विनुवार नहीं को आहार, कृष्ण रस को ही वो आहार लेते थे और कोई आहार लेते ही नहीं थे। इतने उन्नत कोटि के स्तर में माधवेंद्र परिपात थे। एक टाइम हम नहीं खाएंगे तो हमारा क्या अवस्था हो जाएगा, भूखे पेट भजन होना गोपाला, ले ले अपनी कंठी वाला। कहते हैं ना लोग व्यवहारिक जगत में ये प्रचलित है, भूखे पेट भजन नहीं होगा, भरे पेट भजन होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी फिस्टिंग चैंटिंग सब व्यवस्था दी है कलयुग की मंदावस्था को देख करके। लेकिन इनका आहार क्या था, कृष्ण रस विनुवार नहीं को आहार, कृष्ण रस के व्यतिरिक्त उनका कुछ आहार था नहीं। और माधवेंद्र पुरी देहे कृष्ण विहार, माधवेंद्र पुरी के शरीर में ही कृष्ण विहार करते थे। वास्तविक शुद्ध भक्तों के शरीर में ही भगवान निवास करते हैं। तुम्हार हृदय सक्षा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेण आमी भगत पुराण, गोविंद हरेक के हृदय में है। अंडास्तरस्त परमाणु चयांतरस्तम, अणु परमाणु में गोविंद का उपस्थिति है। लेकिन
विश्राम लेते हैं शुद्ध भक्त के हृदय, विशेष रूप से आश्रम जहां पे होता है विश्राम। भगवान शुद्ध भक्त का कलेवर ही भगवान का धाम बन जाता है। तीर्थम कुर्वन्ती तीर्थाणि, ये युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं विदुर जी को। तो जहां पे तीर्थ पाद है वहां पे साक्षात तीर्थ प्रकट हो जाते हैं। तो इसी कारण माधवेंद्रपुरी के शरीर में कृष्ण का विहार होता था। ऐसे विहार के साक्षात स्वरूप माधवेंद्रपुरी को पाकर के नित्यानंद प्रभु परम माने प्रसन्न हो गए। ठाकुर वहां से वर्णना कर रहे हैं वृंदावन ठाकुर, माधवेंद्र पुरी रे देखी लेना नित्यानंद। जब देखे माधवेंद्र पुरी को नित्यानंद प्रभु, क्योंकि ये प्रेम प्रदाता है और साक्षात प्रेम के प्रतिमूर्ति नित्यानंद को जब दर्शन किए, तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा होइल निस्पद। तुरंत ही नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी को देखकर के मूर्छित हो गए। कुछ बोलचाल हुआ ही नहीं, वार्तालाप हुआ ही नहीं, देखते ही मूर्छित हो गए नित्यानंद प्रभु। सोचिए किस प्रकार का यह दिव्य दृश्य होगा, देखते ही मूर्छित हो गए। और नित्यानंद देखी मात्र श्री माधवेंद्र पुरी पड़िला मूर्छित हैया अपना पासोरी। ऐसे ही माधवेंद्र पुरी जब प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु का दर्शन किए, अपने आप को भूल गए, अपना पासोरी, अपने आप को भूल गए और मूर्छित हो गए। तो जितने भी अनुचर थे वो भी प्रेममय होने के कारण इस बात को कुछ हद तक समझ सके कि ये कोई सामान्य नरलीला नहीं है, साक्षात यह भगवान की अद्भुत लीला है। नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी की अद्भुत यह लीला है। तो उस लीला को संदर्शन करके सभी विस्मित आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे अनेक दिनों तक माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु आनंद से कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण विषय में रोना, गान करना, कथानक का चर्चा करना, ऐसा रहते रहते अनेक समय चला गया। अभी लगा कि शायद ये दोनों कृष्ण लीला में इतने उन्मत्त भाव से उसके अंदर चले गए, अभी उनका शरीर से छूट ही जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी के जो परिकर थे सभी भयभीत हो गए, ऐसा ना हो कि क्रंदन करते करते इनका शरीर ही चला जाए। अद्भुत क्रंदन, अद्भुत जो विरह स्वरूप भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु का विरह दोनों में वो प्रकट हुआ, वो कहने योग्य नहीं है। क्रंदन क्रंदन का अद्भुत वो दृश्य था। वास्तविक हम सभी को, जैसे हम सुने हैं श्रील गौरवानंद स्वामी महाराज जी से, वो बोलते थे मैं क्रंदन विद्यालय खोला हूँ, आई हैव ओपेंड ए क्राइंग स्कूल। और वो बोलते थे जे कांदी चीस ये पाई ची, जो रोया है वही पा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे नित्यानंद तत्व है, तीनों अल्टर पे नित्यानंद है। वो बोलते थे गौर निताय यानी नित्यानंद, कृष्ण बलराम यानी कि बलराम नित्यानंद, और बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ यानी कि नित्यानंद, तीनों जगह पे नित्यानंद है। तो तीनों के चरण में समर्पित होने के लिए एक ही तत्व है, तो क्रंदन करना पड़ेगा। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपं पश्चचित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा। रुरुदुः गोपियों के विषय में भी गोपी गीत के उपरांत में सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, जब तक रोएंगे नहीं तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, ये ऐसा खिलाड़ी है। तब क्या हुआ जब रुदन की गोपियां, तब क्या हुआ, तासामा विभुत सौरी स्वयमान मुखाम्बुजः
पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ तासाम आविर्भूत सौरी। जब गोपियां क्रंदन करने लगे रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा लोभ उत्कट स्तर पे पहुंच गया, अभी शरीर से प्राण चला ही जाएगा जैसे, तब कृष्ण प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत सौरी स्वयं मुखानुज, जिनका मुख कमल के समतुल्य था और पीतांबर धर सृग्वी, जो पीतांबर को धारण किए थे, और करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी जिनका सौंदर्य विलज्जित करने वाला था, कोटि मन्मथ मन्मथ साक्षात मन्मथ मन्मथ ऐसे भगवान प्रकट हो गए। तो ये प्रेम की बड़ी उत्कट स्थिति है, लेकिन एक स्थिति में इस तक पहुंचना है। जब वैसे गोपियां तो कुछ क्षण काल के लिए भगवान से विच्छेद हुए थे, हमारा तो करोड़ों जन्म से भगवान से विच्छेद हो गया है या नहीं? कब देखे थे या देखे हैं या नहीं, नित्य बद्ध जीव है, इसका कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन फिर भी आपको रोना नहीं आ रहा है, दुख नहीं लग रहा है, तो कैसे अद्भुत आश्चर्य, ऐसा वो कहते थे। करोड़ों युगो युगो पर्यंत से हमारा भगवान से विच्छेद हो गया है, नित्य हमारे जो पिता माता है वो हमसे दूर चले गए, हमारी भोग प्रावल्यता के कारण, हमारी भोग प्रवृत्ति के कारण, लेकिन फिर भी हमारे अंदर दुख प्रकट नहीं हो रहा है, ये कैसा आश्चर्य है। लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण उनके निकट होने के बाद भी वो विरह का उत्कट सुख जो है, उसी सुख को आस्वादन करने के लिए नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी पाद के यह लीला में ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला कार्य प्रदर्शित होता है। लेकिन जब स्थिति बड़ी गंभीर हो गई, जैसे लगा कि शरीर छूट ही जाएगा, तब दैव योग से दोनों ही अपने जीवन को धारण करने के लिए सहायक, चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहायक होने के लिए ही दोनों ही अलग अलग दिशा में पुनः चले गए। नित्यानंद प्रभु सेतु बंध की ओर, यानी कि दक्षिण भारत की ओर चले गए, और माधवेंद्र पुरी उत्तर की ओर चले गए, बद्रिका स्थान की ओर। तो ऐसे होते हुए नित्यानंद प्रभु नीलाचल धाम में पहुंचे। आइले न नीलाचल चंद्रेरा नगरे, ध्वजा देखी मात्र मूर्छा होइल शरीरे। पतित पावन बाना, यानी कि ध्वजा को देखते ही अठर नला से, जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु दौड़ के चले गए थे, चैतन्य महाप्रभु तो दौड़ के चले, लेकिन यहाँ पे ध्वजा को देखते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु तो जाकर के जगन्नाथ जी के सामने मूर्छित हुए, लेकिन ये ध्वजा को देखते मात्र ही मूर्छित हो गए। सोचिए, नित्यानंद प्रभु, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, तुलनात्मक है नहीं, लेकिन फिर भी प्रकारांतर में विचार किया जाए तो नित्यानंद प्रभु की कैसी भावना थी। नीलाचल नाथ जगन्नाथ जी की ध्वजा को देखते ही तत्क्षण बोलते हैं, तत्क्षणे प्रेमे मूर्छा होइल निस्पद, तुरंत मूर्छित हो गए और शरीर में कुछ सुधबुद रहा नहीं। कतदिने इस प्रकार से, एई मत तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राय पुनर्वार आसिया मिली ला मथुराय। पहले एक बार मथुरा गए थे तो कुछ समय नीलाचल धाम में निवास किए, ध्वजा को देखते ही मूर्छित हो गए, तदुपरांत जब पुनः बाह्य अवस्था आया, जगन्नाथ जी को देखते ही जगन्नाथ जी की लीला में कई समय तक निरंतर उन्मक्त रहते हुए नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथपुरी में वास किया। तदुपरांत अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंतिम में मथुरा आए, मथुरा में आकर के उपस्थित हो गए, यानी कि वृंदावन में आकर के उपस्थित हो गए। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु उस समय भाव प्रकाश नहीं किए थे, इसके कारण जब तक चैतन्य महाप्रभु अपनी भाव का प्रकाश नहीं किए हैं,
नित्यानंद प्रभु ने विचार किया कि मैं मथुरा में ही निवास करता हूं, जो कि कृष्ण की लीला स्थली। नवदीपे गौर चंद्र आछे गुप्त भावे इहा नित्या नंद स्वरूपे रमने जागे आपन सूर्य प्रभु प्रकाशिव जबे आमी गिया करिमुआपन सेवा तबे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं नवदीपे गौरचंद्र आछे गुप्त भावे। तब तो विद्या विलास लीला चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु टोली में पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। तो तब तक उन्होंने भगवत जो लीला है, जो महाभाव की लीला प्रकट नहीं किए थे, गुप्त भावे, तब तक गुप्त थे। तो सभी वैष्णव लोग दुखी थे, निंदुक द्वेषी लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे। विशेष करके अद्वैत आचार्य जान लिए थे कि चैतन्य महाप्रभु का कब भावावेश होगा। इन्होंने ही तो हुंकार करके सालग्राम जी में जल और गंगा जल और तुलसी देकर के हुंकार करके चैतन्य महाप्रभु को पुकारा था, इसके कारण प्रकट हुए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु लगभग 23 साल अवस्था तक हो गया, तब तक ये विद्याविलास लीला ही कर रहे, सबको आश्चर्यचकित करने वाला, मोहित करने वाला था, विशेष करके वैष्णव को। तो गुप्त भावे चैतन्य महाप्रभु तब तक गुप्त भाव में थे। तो इसके कारण यहा नित्यानंद स्वरूप पेरो मना जागे, इसके कारण इसी विचार में रहते हुए अपने ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिव जगे। जब चैतन्य महाप्रभु अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर के आमी गिया करेमु अपना सेवा तबे, तब मैं जाकर के अपनी सेवा प्रारंभ करूंगा। इसी विचार में नित्यानंद प्रभु विचार करके चैतन्य महाप्रभु का जब ऐश्वर्य प्रकाश होगा तब तक प्रतीक्षा किए। और तदुपरांत जब वो समय आ गया, एक दिन भाव प्रकाश हो गया चैतन्य महाप्रभु का, और जब चैतन्य महाप्रभु अचानक श्रीवास आंगन में विष्णु खट पर बैठ गए और भगवत स्वरूप में प्रकट हो गए, तो सभी वैष्णव आश्चर्यचकित हो गए। और निरंतर कीर्तन होता रहा श्रीवास के आंगन में, रात्रि भर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। तबे प्रभु श्रीवासेर गृह निरंतर रात्र संकीर्तन कैला एक संवत्सर। तब क्या किए, श्रीवास के आंगन में एक संवत्सर तक कीर्तन किए, यानी कि एक एक रात्रि में ब्रह्मा का एक एक दिन का कीर्तन हो जाता। जैसे गोपियों के सहित भगवान कृष्ण एक एक रात्रि में ब्रह्मा के एक एक दिन का रास कर लेते थे। चैतन्य महाप्रभु भी कविराज गोस्वामी वर्णना करते, तवे प्रभु श्रीवास से गृह निरंतर, ऐसा नहीं कि एक दिन, एक एक दिन में एक एक ब्रह्मा का दिन चला जाता था। ब्रह्मा का दिन का काउंटिंग पता है ना, कितनी लंबी है। ब्रह्मा के 12 घंटा में 14 मनु आते हैं, और 14 मनु की एक एक मनु की आयु है 71 दिव्य युग, एक एक दिव्य युग चार चार युग, यानी कि 71 multiplied into 14 जितना युग होगा उतना ब्रह्मा का 12 घंटा है। कितनी लंबी अवधि है। तो ब्रह्मा का एक एक दिन का वो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु कर लेते थे। रात्र संकीर्तन कैल एक संवत्सर। तो एक दिन कीर्तन में भावावेश होने से पहले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कल रात में एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में मैंने देखा कोई एक मत गजहस्ती के जैसा शरीर, दिव्य प्रकांड शरीर जो नीलांबर धारण किया है, और जिसके कर्ण में एक कुंडल है, दोनों कान में कुंडल नहीं है। सुबह हम चर्चा कर रहे थे तो सर्प को जो कुंडल दान कर दिया, नित्यानंद प्रभु वास्तव में एक कुंडल धारण करते हैं, उनका एक नाम है एक कुंडल। तो दोनों कान पर कुंडल नहीं धारण करते, ये नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीला है।
तो कुछ जो जो वैसे भाव के भक्त हमने देखा भी है, नित्यानंद को एक कुंडल धारण कराते हैं। तो एक कुंडल धारण किए हैं और तालध्वज रथ पर आरोहित होकर के वो दिव्य महापुरुष आ रहे हैं। तो हे हरिदास और हे श्रीवास, देखो तो मेरा स्वप्न कभी झूठा नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से ये कोई एक महापुरुष नवद्वीप में आया है, तो उसका अनुसंधान करो। तो श्रीवास ठाकुर और हरिदास दोनों नवद्वीप के हर एक प्रांत में, हर एक स्थान में गए, लेकिन कहां पे भी ऐसे चिन्हों से युक्त वो महापुरुष दिखे नहीं। बहुत भ्रमण किए लेकिन दिखे नहीं। लेकिन वास्तविक श्रीवास ठाकुर क्यों यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर वर्णना करते हैं, कोई एक बिरला भक्त ही नित्यानंद तत्व को पहचान सकता है। यद्यपि श्रीवास ठाकुर कौन है, साक्षात नारद मुनि है। हाँ। और हरिदास ठाकुर ब्रह्म हरिदास है। इतने उच्च कोटि के भक्त होने के बाद भी नित्यानंद का अन्वेषण नहीं कर पाए, और हम जैसे जीव का कहना ही क्या है, हम कैसे नित्यानंद तत्व को समझ पाएंगे। जिन नित्यानंद तत्व को जब तक चैतन्य महाप्रभु इसका परिप्रकाश नहीं करेंगे, तब तक श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर को भी यह समझ में नहीं आया। इसके कारण ही उन्होंने ढूंढ नहीं पाए। उसी क्रम में वर्णना करते हैं, एई मतो वृंदावने वैसे नित्यानंद नवदीपे प्रकाश हिला गौर चंद्र। जब वृंदावन में नित्यानंद प्रभु थे और नवदीप में चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला का परिप्रकाश किए। निरंतर संकीर्तन परम आनंद दुख पाए प्रभु ना देखिया नित्यानंद। यद्यपि निरंतर कीर्तन होता था श्रीवास के आंगन में, लेकिन नित्यानंद प्रभु न होने के कारण चैतन्य महाप्रभु परम दुख को प्राप्त कर रहे थे। क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु जब आएंगे कीर्तन में और नृत्य में, अनेक गुणा आनंद लगेगा। नाचे रे नीता गौर दिज मणिया। तो ये सिर्फ बाद में वर्णना करते हैं, तो संगे गदाधर है नित्यानंद सब है, इसके कारण ही तो आनंद लगा वो कीर्तन में। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि किसी की प्रतीक्षा मत करो, चारी पांचों मिलिया हाथे करताली दैया। चार पांच मिल जाओ और हाथ में करताल देके कीर्तन शुरू कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भक्तों का जीवन कथा कीर्तन में ही है। श्रवण कीर्तने जले करह सिंचन, ये भक्ति रूपक जो पौधा है कैसे आगे उठेगा, कैसे वो खाद्य को प्राप्त करेगा। इसका खाद्य कोई जल मूर्ति का नहीं है। श्रवण कीर्तने जले करह सिंचन, श्रवण नित्य क्वालिटी क्लास सुनना हो ऐसा बताया गया। और श्रवण कीर्तन और कीर्तन दोनों का ही संयोग जब होगा तो ये भक्ति रूपी पौधा आगे बढ़ता जाएगा गोलोक वृंदावन की तरफ। तो भक्तों का जीवन तो श्रवण और कीर्तन ही है, कथा मात्रे का जीवन। पद्म पुराण में कहा गया है चार कुमारों के बारे में, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा। सदा वैकुंठ निलया, हमेशा वैकुंठ में ही रहते थे। यद्यपि जड़ जगत में रहने के बाद भी उनका जो निवास है, भक्तों का निवास है, वैकुंठ में रहता है। श्री प्रभुपाद जी कहे हम इस जड़ जगत में वैकुंठ खोले, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का जो मंदिर है वो कोई साधारण नहीं, वो वैकुंठ ही है। भगवान भगवान के धाम ही रहते हैं ना, जहां पर राधा माधव है, निताई गौर सुंदर है और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी है, वो वैकुंठ ही है। वो लोग वृंदावन है, उदार जी धाम ही है।
माधुर्य धामी है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, हमेशा हरि कीर्तन में ही भक्त लोग मजे रहते हैं और कुछ काम नहीं करते, हमेशा कीर्तन ही करते रहते हैं। और क्या करते हैं? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृते रसन मुक्ता कथा मात्रेक जीवनम। लीला रूपक अमृत को नित्य आस्वादन करते रहते हैं। बोधयंती परस्पर, एक दूसरे की निंदा नहीं करते भक्त लोग, दूसरे की चर्चा नहीं करते। ग्राम्य कथा ना कही व ना सुनी, वो ग्राम्य कथा नहीं कहते हैं, व्यवहारिक कथा नहीं कहते हैं। क्या करते हैं? लीलामृते रसैन मक्त्वा, और इनका जीवन क्या है? कथा मात्रेक जीवनम, उनका जीवन ही कथा है, यानी कि कथा के व्यतिरिक्त वो रह नहीं सकते, वो जी ही नहीं सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना संघ के हरेक केंद्र में नित्यम भागवत सेवा का व्यवस्था किया है, नित्य कथा का श्रवण करना ही चाहिए। कथा मात्रे का जीवनम, लीला रूपक अमृत को नित्य आस्वादन करते रहते हैं, कथा मात्रे का जीवनम। और क्या कहते हैं? हम माया के शरण में हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी के शरण में हैं, हम राधा माधव के शरण में हैं। हरि शरणम एव हि नित्यम साम मुखे वच, अपने साम मुख से, सुंदर मुख से ये चार कुमार क्या करते हैं? मैं हरि के शरण में हूं, मैं हरि के शरण में हूं। अतः काल न प्रभावन्ति जरायुस्व न बाधते, इसके कारण जो हरि के शरण में रहता है वो काल भी उनसे डरता है। इसके कारण सबसे सीनियर है, सबसे बूढ़े हैं कौन? चार कुमार, लेकिन इतने छोटे बच्चे, नंगे रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते, उनको काल स्पर्श भी नहीं कर पाया, एक बाल्यावस्था में रुक गया वो काल। जरायुष्मन बाधते, जरावस्था आयु ये बाधा नहीं दे पाता है। तो भक्तों का जीवन ऐसा है, तो निरंतर कीर्तन में ही भक्त लोग रहते हैं, कथाओं में ही रहते हैं। भगवान के शरण में होने के कारण भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्रों में ही रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसी क्रम में कीर्तन हमेशा करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु न होने के कारण उनको बड़ा दुख लगता था। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जब जाने कि चैतन्य महाप्रभु मेरे कारण दुख को प्राप्त कर रहे हैं, तब विचार किए अब जाना ही उचित है, मथुरा से भागे नवद्वीप की ओर। नित्यानंद जानी लेना प्रभुर प्रकाश, जे अवधि लागी करे वृंदावने वास, जानी आइला तह नवदीपे पुरे, आसिया रहिला नंद आचार्यर घरे। तब नित्यानंद प्रभु जाने कि चैतन्य महाप्रभु मुझे न पाने के कारण दुख को प्राप्त कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु नवदीप धाम में आए और नंदन आचार्य नामक जो महाप्रभु के पार्षद थे उनके यहाँ रहने लगे। तो जब श्रीवास ठाकुर और हरिदास जी को चैतन्य महाप्रभु बोले कि जाकर के ऐसे जो दिव्य महापुरुष जो तालध्वज रथ में आरोहित होकर के आ रहा था, जो स्वप्न में देखा, ऐसे महापुरुष निश्चित रूप से नवद्वीप में आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी हरि की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि बिना चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में वो ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि ऐसा बाद में टीकाकार वर्णन करते हैं कि नंदना आचार्य के घर के सामने ही चले गए, लेकिन नंदना आचार्य के घर के सामने ही बैठे हुए नित्यानंद प्रभु को देख नहीं पाए। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु खुद
समस्त भक्तों के सहित हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे उच्चारण करते हुए तालध्वज रथ में आरोहित वो महापुरुष को ढूंढते हुए नवद्वीप में, ऐसा नहीं कि उनको ढूंढना पड़ा, डायरेक्ट श्रीवास आंगन से ही नंदनाचार्य के गृह में चले गए। वो तो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब नंदनाचार्य के गृह के सामने पहुंचे तो नित्यानंद, ये अद्भुत मिलन था, ये पहला मिलन इस अवतार काल में गौर निताई की पहले मिलन था, निताई गौर सुंदर की पहला मिलन था। दोनों ही दोनों को देख करके आनंद से अश्रु निकालने लगे और इतना वो उच्च कोटि का जो परिवेश था, आध्यात्मिक परिवेश था, प्रेमोन्नत परिवेश था, सब भक्त देख करके आश्चर्यचकित हो गए। नित्यानंद प्रभु को तो पता है अपने प्रभु को पहचानने में कोई देरी था नहीं, तो देखते ही मूर्छित हो गए, विहल अवस्था में क्रंदन करते करते मूर्छित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कि अपनी गोदी में नित्यानंद प्रभु को सुला ली, जैसे कि भक्त लोग स्मरण किए जैसे, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की अवस्था को देख करके क्रंदन कर रहे हैं। जैसे पूर्व काल में तृतीया में लक्ष्मण को शक्तिवेद लगने के बाद राम जी लक्ष्मण जी को गोदी में रख करके क्रंदन कर रहे थे, वैसा ही जैसे साक्षात स्वरूप दिखाई दे रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपनी गोदी में नित्यानंद प्रभु को लेटा करके क्रंदन कर रहे थे। और जब क्रंदन का आश्रम नित्यानंद प्रभु के मुखारविंद पर गिरा तब नित्यानंद प्रभु ने बाह्य अवस्था को प्राप्त किया और दोनों ही परस्पर को आलिंगन करने लगे, बारंबार प्रणाम करने लगे, एक दूसरे का स्तुति पाठ करने लगे। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे दोनों का अद्भुत मिलन प्रदर्शित हुआ सभी भक्तों के सामने। तो इसी भाव से नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य के गृह के समीप, गृह के सामने ही चैतन्य महाप्रभु के सहित उनका साक्षात्कार हुआ। बाद में चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु को ले लिए, वही उनका वहां पे लास्ट रहनी था नित्यानंद प्रभु का। उसके उपरांत नित्य ही जब तक नवद्वीप में थे नित्यानंद प्रभु श्रीवास के आंगन में रहते थे और मालिनी देवी जो है उनको नित्य पुत्र भाव में सेवा करते थे। तो ऐसा अद्भुत उनकी जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है और प्रेमोन्मत्त अवस्था की जो पराकाष्ठा है वो केवल ही केवल चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही संदर्शन हो पाया है। और वैसे नित्यानंद प्रभु की अनेक लीलाएं हैं, तो 5 बजे तक ही समय है ना, उसके बाद कीर्तन होगा, 5:30 में अभिषेक है ना, तो यहाँ पे हम विराम देंगे शायद, नहीं तो कल, हाँ कल सुबह उसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्योंकि भगवान का अभिषेक भी होगा अभी, तो आज गौर निताई का मिलन हो गया है नंदनाचार्य के गृह के सामने और दोनों ही श्रीवास आंगन में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे उनको नित्य कीर्तन में आनंद करने दीजिए, कल नित्यानंद प्रभु की पुनः बाकी लीलाओं को हम बोधगम्य में करने का आस्वादन करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम करुणा के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की, प्रेम दाता श्री नित्यानंद प्रभु स्वाविर्भाव तिथि महा महोत्सव की, जगद्गुरु शील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।